जनपद आगरा के थाना कागारौल के गांव बीसलपुर की सुबह सोमवार को आंसुओं में डूब गई। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद सैनिक अमित चतुर्वेदी का पार्थिव शरीर सुबह 7:45 बजे तिरंगा में लिपटा हुआ गांव पहुंचा। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भीड़ गांव पहुंची थी। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शहीद के गांव पहुंचे। फतेहपुर सीकरी से वर्तमान भाजपा सांसद राजकुमार चाहर, विधायक चौधरी उदयभान सिंह, विधायक हेमलता दिवाकर, विधायक महेश गोयल के साथ ही DMNG रवि कुमार, SSP अमित पाठक समेत बड़ी संख्या में अधिकारी और नेता मौके पर पहुंचे। शहीद के 1 साल के भतीजे वंश ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के समय माहौल देशभक्ति के नारों से गुंजायमान रहा। युवक हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे और शहीद को अंतिम सलाम किया। गांव बीसलपुर निवासी रामवीर चतुर्वेदी रिटायर्ड सूबेदार हैं। तीनों बेटे सुमित, अमित और अरुण सेना में हैं। मझले बेटे अमित 1 अप्रैल 2014 को 17 पैरा फील्ड रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। 2 साल से वो अरुणाचल में 2 माउंटेन रिज में तैनात थे। रामवीर ने बताया कि 31 मई की देर शाम अमित से फोन पर संपर्क साधा। उसने 3 जून को गांव आने के लिए रिजर्वेशन कराने की बात कही थी। इसके बाद रामवीर के पास अगली सुबह आगरा सेना मुख्यालय से फोन आया। उन्होंने उग्रवादियों से लोहा लेते वक्त रात में अमित के शहीद होने की जानकारी दी। बताया कि उनके गोली लगी है। यह सुनते ही पूरे घर में कोहराम मच गया। शहीद अमित का जन्मदिन भी 3 जून का था। भाई सुमित ने बताया कि अमित जन्मदिन वो परिवार के साथ मनाना चाहता था। 1 जून को छुट्टी नहीं मिलने के कारण अमित ने 3 जून का रिजर्वेशन करा लिया था। अमित की महीने भर पहले हुई थी सगाई। अमित अप्रैल में 10 दिन की छुट्टी पर घर आया था। उनकी सगाई हुई थी लेकिन शादी की तिथि तय नहीं की। 1 मई को वो अरुणाचल चले गए थे। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि आगरा की मिट्टी बलिदानियों की है। जंग आजादी से लेकर देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग तक में आगरा के लाल अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। अमित चतुर्वेदी के बलिदान को नमन है। मुझे गर्व है, मुझे फक्र है और आनंद भी है कि ये मेरे परिवार का लड़का, मेरा भतीजा शहीद हुआ है। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र उस पर गर्व महसूस कर रहा है। ये माटी में हमेशा जवान पैदा हुए और हमारे जवानों ने हमेशा देश की रक्षा के लिए उनकी शहादत दी है। इस परिवार के लिए, क्योंकि ये हमारा परिवार है, संभव सरकार की संस्कार
सहयोग के लिए करेंगे, उसके इस मार्ग के लिए जो भी संभव होगा गांव के लोगों से बात करके करेंगे और आने वाले समय में हमेशा इस परिवार के साथ खड़े नजर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही